खबरों में जहां जीडी वीसी के निर्देश पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई, बिना नक्शा पास कराए निर्माण को गिराने के आदेश दिए। कई तरह यहां पर इलाकों में अवैध निर्माण को किया गया सील और कई इलाकों में नोटिस भी जारी कर दिया गया। बमहेटा और वेव सिटी में कई अवैध निर्माण सील किए गए। वीसी अतुल वत्स ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि अवैध नक्शों पर कार्रवाई की गई है और जीडीए वीसी के निर्देश पर अवैध निर्माण पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। जो बिना नक्शा पास कराए निर्माण किए गए थे उनको गिराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और कई इलाकों में अवैध निर्माण को सील भी कर दिया। जो अवैध निर्माण हो चुके हैं उनको सील किया गया, कई इलाकों में नोटिस भी जारी कर दिया गया। बमहेटा और वेव सिटी में कई अवैध निर्माण सील किए गए। वीसी अतुल वत्स ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। तो कई इलाकों में अवैध निर्माण को सील किया गया है और इलाकों में नोटिस भी जारी कर दिया गया। बमहेटा और वेव सिटी में कई अवैध निर्माण को सील भी किया गया। वीसी अतुल वत्स ने अधिकारियों को निर्देश दिया है और साथ ही उनकी तरफ से कहा गया है जो भी अवैध निर्माण हो या फिर जो भी बिना नक्शा पास कराए बन रहे हैं वो आगे नहीं बनेंगे, उनको ध्वस्त किया जाएगा, उनको गिराया जाएगा। आगे की निर्माण जो कार्रवाई है वो नहीं की जाएगी। अवैध निर्माण पर यह बड़ी कार्रवाई वीसी की तरफ से की है। वीसी अतुल वत्स की तरफ से आदेश जारी किए गए। तो कई इलाकों में अवैध निर्माण को सील किया गया, अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके चलते बताते चले कि बिना नक्शा पास कराए अगर अवैध निर्माण होगा तो उस पर रोक लगाई जाएगी। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कई इलाकों में अवैध निर्माण को सील किया गया है और अवैध निर्माण पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी करणवीर कश्यप जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। करणवीर, क्या अपडेट मिल पा रही है, जहां बताया जा रहा है कि वीसी अतुल वत्स की तरफ से निर्देश जारी किए गए और इसके साथ ही अवैध निर्माणों को सील भी किया गया है? अजय, देखिए, जब से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के नए वीसी जो अतुल वत्स आए हैं, तब से लगातार जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण है वो एक्टिव मोड पर है। लगातार हर विभाग की समीक्षा की जा रही है। जनता की प्राथमिकता के काम और सरकार की प्राथमिकता के काम लगातार किए जा रहे हैं। जो अवैध निर्माण वीसी अतुल वत्स को लगातार मिल रही है उन सब पर कार्रवाई हो रही है। लगातार जो अतुल वत्स है वीसी है वहाँ के, वो लगातार जो वीसी है उनको निर्देश दे रहे हैं कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो। लगातार जो अवैध निर्माण पर है उन पर कार्रवाई की जा रही है। जिन कॉलोनाइजर्स ने बिना नक्शे के बिना अनुमति के कॉलोनी काटी है उन पर कार्रवाई हो रही है। जिन लोगों ने अवैध निर्माण किया है बिना नक्शे के उनको सीलिंग किया गया है। तमाम इलाकों में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अपनी योजनाओं को लेकर के बेहद गंभीर है, अपने कामों को लेकर के बेहद गंभीर है। सबसे ज्यादा शिकायत जो मिल रही है वो अवैध निर्माण को लेकर मिल रही है। अवैध निर्माण पर लगातार एक्शन हो रहा है और अतुल वत्स वीसी है वो कहीं ना कहीं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की जो छवि थी, जो बेहद खराब छवि थी, उसको सुधारने में लगे हुए। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।